कि मान लीजिए कि आप एक सर्जन हैं और आपके पास एक पेशेंट आई है, वो लेडीज है, वो प्रेग्नेंट है। जब आपने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, डायग्नोसिस किया, तो पता लगा कि उसकी ओवरी में कैंसर है और अब आपको उस ओवरी को रिमूव करना है और मदर प्रेग्नेंट भी है। तो बताओ बच्चों कि आप क्या करेंगे कि बच्चा भी बच जाए और माँ भी बच जाए। दोस्तों आपने सुना होगा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। अगर ओवरी नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो ये हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिलीज नहीं होगा, और जब वो रिलीज नहीं होगा तो जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो डॉक्टर कुछ समय वेट करेंगे, 3 से 4 महीने का। 3 से 4 महीने बाद डॉक्टर क्या करेंगे, इस ओवरी को आसानी से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद ये जो हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा था उसको बनाने का काम प्लेसेंटा करने लगता है। तो इस प्रकार बच्चे की भी जान बच जाएगी और माँ की भी जान बच जाएगी।